सिरदर्द होता है, बालों संबंधित कोई समस्या हो तो 45 दिन तक ये नियम का पालन करना, फिर नीचे आए सिरदर्द है चाहे आधा चाहे पूरा, ऐसे लोग गौमूत्र लेवे आधा कप, 8 बार छान करके आधा कप गौमूत्र लेवे, उसमें 5 काली मिर्च और 5 तुलसी माता के पत्ते कूट करके बाट के मिला देवे, और सुबह सुबह वो गौमूत्र जिसमें काली मिर्च और तुलसी माता के पत्ते डाले हैं 1.25 महीने तक खाली पेट पीना सुबह सुबह शुरू कर दो। 1.25 महीने पी लिया तो उसके बाद आप खुद पूछोगे सिरदर्द क्या होता है, आपका सिरदर्द बिल्कुल जड़ सहित खत्म हो जाएगा। अगर आंखों की रोशनी थोड़ी कम है, कम दिखता है, 60 साल से अधिक की आयु है और कम दिख रहा है, तो ये तो स्वाभाविक बुढ़ापे के लक्षण है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आजकल अपन देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं, नेत्र ज्योति कमजोर है, तो ऐसे लोग गौमूत्र लें और उसमें तिल्ली का तेल मिलाएं, फिर दोनों को बराबर मात्रा में मिला के बिल्कुल धीमी धीमी मध्यम आंच पर उसको गर्म करें। गरम करते जाएंगे तो गौमूत्र गौमूत्र जल जाएगा, तेल तेल बच जाएगा, बचे हुए तेल को ठंडा होने के बाद एक एक बूंद आई ड्रॉप की तरह आंख में डालें, आपकी नेत्र ज्योति भी धीरे धीरे वापस लौट आ जाएगी। किसी को आंखों में जलन होती है, पानी निकलता है, लाल रहती है, खुजली बहुत ज्यादा चलती है, ऐसे लोग एक बूंद शहद में 2 बूंद गाय माता का घी डालें। ध्यान से सुनना, 1 बूंद शहद और 2 बूंद गाय माता का घी, इसी मात्रा में मिलाना। अगर विषम मात्रा में नहीं मिलाया और सम मात्रा में मिला दिया तो ये जहर बन जाएगा। तो दोनों को इस मात्रा में मिला करके और फिर मेरे भाई बहनों रात को सोते समय काजल की तरह लगा करके सो जावे। 15 दिन तक मेरे भाई बहनों इसी तरह काजल की तरह लगा के सोवे, थोड़ी जलन हो सकती है, चिंता मत करो, 16वें दिन आपके आंखों की जलन है, पानी निकलना है, खुजली आ रही है, वो पूरा बंद हो जाएगा।